नमस्कार सतरकाल आदाप आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग फंटास अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो यू माइट हैव कम अक्रॉस अ लॉर ऑफ़ प्रॉब्लम्स तो आज के इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में और वो सल्यूशन्स के बारे में बात करेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो चाय या कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए वो ले लो और ध्यान से बैठ जाओ बिकॉज दिस इज गान सेव यू अ लॉर ऑफ टाइम एंड मनी तो पहला बात यह है कि आप एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन हो मे बी आप फुल टाइम म्यूजिक करियर करना चाहते हो और मे बी आप सिर्फ अपना म्यूज़िक बनाना चाहते हो कवर सॉन्ग्स या कुछ भी आप कोई जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो एंड आप पार्ट टाइम ये चीज़ करना चाहते हो आप मे भी पहले आप बहुत सारे स्टूडियोज़ में गए हो नाउ यू आर इन टू अ प्रॉब्लम क्योंकि एक तो लॉकडाउन वाला मसला है और बार बार इधर उधर जाने से बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है और अगर आप करियर बनाने की बात कर रहे हो इस फील्ड में तो फिर आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि आपको तो सीखना ही सीखना है ठीक है तो इसमें आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोडक्शन का अप्रोच होता है मिक्सिंग का अप्रोच होता है डबिंग का अप्रोच होता है वेरियस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ें कौन सा सॉफ्टवेयर क्या सब चीज़ों के बारे में आपको एक इन डेप्थ जानकारी चाहिए विच विल इवेंचुअली सेव यू अ लॉर ऑफ टाइम प्लस आपका बहुत सारा जो पैसा वेस्ट हो जाता है अलग अलग चीज़ों में वो बचेगा तो आप इस पर्पज से आप यूट्यूब पर आते हो एंड यू स्टार्ट इधर उधर का जो भी आपको वीडियो मिलता है आप देखना शुरू करते हो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको आता है दैट इज़ कि जो नया बंदा शुरू कर रहा होता है उसको एक तो पता ही नहीं होता है कि क्या सर्च करना है और कई बार आपको ये भी नहीं पता होता है कि मुझे क्या नहीं पता है दैट्स अनादर प्रॉब्लम तो YouTube में कंटेंट बहुत सारा है एक बात जो YouTube के वीडियो ट्यूटोरियल्स में अक्सर रहता है कि वंस एक बंदा थोड़ा सा एक पॉइंट पे पहुंच जाता है अपना करियर के मतलब यूट्यूब करियर पे एंड मान लो कि वो प्रोडक्शन वीडियोस दे रहा है या कोई प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करता है कुछ भी करता है तो कंपनीज विल स्टार्ट हिम अप स्टार्ट अप्रोचिंग हिम और उसको कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट्स देंगे ही विल टेस्ट दैम आउट ट्राई दैम आउट एंड मोस्टली वो उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएगा बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ हिज करियर है ना और किसको नहीं अच्छा लगता है गेटिंग एसोसिएटेड विद ब्रांड्स एंड ऑल और उसके बाद में वो जो कूल चीज़ों के बारे में बात करने के लिए या तो उन टॉपिक्स के ऊपर में बात करी जाएगी जो एक्चुअली में गूगल ट्रेंड कर रहा हूँ है ना क्योंकि उससे उसका वीडियोस पे व्यूज़ आएगा एंड ऑल और यू you नो know, उसका चैनल को पुश मिलेगा तो ही गेट्स मोर स्पॉन्सरशिप मोर ऑफ वट ही वॉन्ट्स टू अचीव पर इस भगादौड़ी में आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो अब दूसरा चीज़ रहता है कि आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो अब ऑनलाइन क्लासेस में मोस्टली काफ़ी सारा जैसे कंटेंट है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइप का कोर्सेस निकल के आ रहा है वो ज्वाइन करते हो वहाँ पे एक मेजर इश्यूज़ आता है कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है एंड या इवन बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं इन लोग के भी आप जब वीडियो कॉन्टेंट देखते हो तो दोज आर लाइक बहुत नाइसली फॉर्मेटेड होएगा पर वो रिकॉर्डेड कॉन्टेंट होएगा अब इसमें ये है कि बहुत सारा बात ऐसा है कि जो ऑलरेडी है चाहे YouTube पे है चाहे उस कोर्स में है सब कुछ है बट वो एग्जैक्टली exactly आपको समझ में नहीं आ रहा है ना एंड बिकॉज आपके गुरु से आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बातचीत नहीं है उसको भी नहीं पता है कि आपको क्या बात है जो नहीं समझ में आ रहा है और कैसे उसको ट्विस्ट करके समझा दिया जाए एक मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपको नहीं अंदाज़ा है इस चीज़ का हाउ एवरी थिंग वर्कस इन ऑल तो आप बात की चीज़ों पर पहले फ़ोकस कर लेते हो कई बार और पहले की चीज़ों पर आप बाद में फ़ोकस करते है ना जैसे कई बार आप uh, YouTube पर आओगे थोड़ा बहुत आप प्रोडक्शन का ट्यूटोरियल देखोगे फिर आप देखोगे कि अरे इससे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं पैसा बना रहे वो कर रहे हैं मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ अभी तक आपका <laughs> अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें हुआ नहीं है एंड यू स्टार्ट डिगिंग अबाउट दैट और फिर उसमें आप बह के चले जाते हो बहुत बहते चले जाते हो अलग अलग, अलग चीज़ें में जाते हो एंड इन रिटर्न आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है बिकॉज अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले भी लोगे किसी से तो आप पूरा करके नहीं दे पाओगे है ना एंड ऑब्वियसली आप जिससे पैसे ले रहे हो या आपने किसी को कैसे भी करके कमिट किया है कि आप ये चीज़ डिलीवर करोगे और नहीं करोगे तो फिर खींचा तानी तो होएगी होएगी एनीवेज़ अब बात आता है कि समाधान क्या है इन सब चीज़ों का दैट इज़ हम लोग मई के सेशन से मतलब मंथ ऑफ मई से हम लोग बैचेस रन कर रहे हैं कि हर महीने एक बैच होता है उस बैच में दस बच्चे होते हैं ठीक है दस बच्चे इज़ ए अप्रोप्रिएट मतलब नंबर कि जहाँ पे आपको एक क्लासरूम एक्सपीरियंस भी प्रॉपर मिलता है और मैं सबको प्रॉपरली सबका रिक्वायरमेंट समझ भी सकता हूँ और उसको उस तरीके से अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ एक क्लासरूम एक्सपीरियंस में ये बेनिफिट रहता है कि यू you नो know, बाकी लोग भी बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं उससे आपको पुश मिलता है और कोई सवाल अगर आप नहीं पूछ पाए तो कोई सामने वाला बंदा पूछ लेगा तो आपको बोले ओ यार ये जानना जरूरी था एंड ऑल ग्रेजुअली ये सारा चीज़ आगे बढ़ता है एंड बिकॉज़ आई नो यू प्रॉपरली आप मेरे सामने बैठे हो मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से क्योंकि हमारी रोज़ बात हो रही है डेढ़ दो घंटे तो मैं आपको एग्जैक्टली exactly गाइड कर सकता हूँ स्टेप बाई स्टेप कि बाबा पहले ये चीज़ कर फिर वो चीज़ कर फिर एंड ग्रेजुअली इस तरीके से आगे बढ़ो अब हाउ डज दिस थिंग वर्क अब हमारे कोर्स करिकुलम कैसे चल रहा है क्या क्या चीज़ है इसको एक बार देखते हैं सो so, अगर आप अभी एकेडमी वाले पेज पे आओगे हमारे तो यू विल सी कि ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यार एक बार आप पहले जिससे सीखना चाहते हो ना तो उसका पोर्टफोलियो देख लो उसने क्या क्या काम किया हुआ है है ना उसका म्यूज़िक सुन लो है ना और ट्यूटोरियल्स वाला पेज है वो सब चीज़ें देख लो इवन मैंने अभी एक ये पेज का लिंक भी डाल दिया है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्रिएट करें अभी ये वाला वीडियो जिसपे अभी आप देख रहे हो वो यहीं कहीं बीच में हम लगा देंगे सो so दैट ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि कहाँ नेविगेट करना है तो आप ये क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यार जो लोग सीख रहे हैं यहाँ से वो लोग भी अमेजिंग काम कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वो लोग बना रहे हैं लेट्स गो बैक ठीक है ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस ले आउट कर दिया हैं यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ डज़ दिस थिंग वर्क पर मैं अभी आपको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों का वो आपके पास होना ही चाहिए कोर्स के बारे में एक तो ये कोर्स इट इज़ नॉट अबाउट टीचिंग डी ठीक है बट अगर आप कोई प्रोडक्शन आप सीखने आ रहे हो और उसमें आपको अपने डी में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ है दैट गेट्स कवर्ड उसमें कोई <laughs> मसला नहीं है दैट गेट्स कवर्ड वर्ड आप किसी भी डी में वो हो जाता है आ, आपके पास में एक जाहिर सी बात है कंप्यूटर होना चाहिए आपका अपना डॉ और उस पर थोड़ा बहुत आपका कमांड होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्योंकि जूम मीटिंग के ऊपर में ये कन्वर्सेशन होगा आपको ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए एक माइक्रोफोन होना चाहिए एक मीडी कीबोर्ड होना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके का म्यूज़िक प्रोडक्शन अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे आपके पास में गुड सेट ऑफ हेडफोन्स होने चाहिए या स्टूडियो मॉनिटर्स होने चाहिए स्टूडियो मॉनिटर्स इतने क्रूशियल नहीं है तो आपके पास में एक गुड सेट ऑफ़ हेडफोन्स होएगा तो उससे आपको जो भी आप म्यूज़िक बना रहे हो तो वो एक्चुअल साउंड क्या आ रहा है वो जज करने में थोड़ा आसानी होगा गैस वर्क थोड़ा घट जाएगा दैट इज़ वाट बस इतना सा बेसिक एक स्टूडियो सेटअप चाहिए जैसे ये माइक्रोफोन और यू नो ऑडियो इंटरफेस इसका कॉम्बिनेशन में आप यू कैन बोला कि यार मैं तो थोड़ा बहुत गाता हूँ और थोड़ा अपना म्यूजिक अरेंज करना चाहता हूँ तो आई कूड एक्चुअली गेट बाई यूजिंग अ यू एस बी माइक्रोफोन ये दो चीज़ लेने की जगह पे या ऑब्वियसली यू कैन गेट बाई जस्ट यूजिंग दैट थिंग तो दिस इज़ सम वर्क अराउंड ठीक है अब आप जानना चाहोगे कि इसमें हम कवर क्या करते हैं सो द आइडिया इज कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ में ऐसे जुड़ा हुआ हो ही बिकम्स अ कम्प्लीट म्यूज़िक प्रोड्यूसर यू अंडरस्टैंड राइट ए कम्प्लीट म्यूज़िक प्रोड्यूसर मतलब हु अंडरस्टैंड द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस वो चीज़ कैसे काम करती है uh, तो अपना गाना है तो वो कैसे म्यूज़िक अरेंज होगा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए टू डबिंग टेक्निक्स अगर खुद को डब करना है या दूसरा किसी आर्टिस्ट को डब करना है वोकल्स हो चाहे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट एंड ऑब्वियसली द मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोसेस एंड अलग अलग गानों का मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोसेस साउंड डिजाइन का प्रोसेस और अरेंजमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होगा तो वी टॉक अ लॉट अबाउट डिफरेंट 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 प्रोसेस एंड ऑल सो so, जब आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले तो मैं एक ये क्लास इंडेक्स वाला पेज भेजता हूँ इसका लॉग इन पासवर्ड सब कुछ भेजता हूँ मैं इसमें जो सबसे बहुत सारी महत्वपूर्ण तो चीज़ें हैं बट ऐसे देखते हैं कि आपको जो भी मई से लेके जो सेशंस ऑलरेडी चल रही हैं सब इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर आप इस पेज के अंदर क्लिक करोगे तो यू कैन सी कि इट हैज़ बिन अरेंज प्रॉपरली कि पहला क्लास में क्या बात हुआ सेकेंड में क्या बात हुआ और क्या सारी चीज़ें हुआ और इस तरीके से एवरी थिंग इज अरेंज और उसके अंदर वो प्रोजेक्ट्स और जो स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको जो हमने करेक्शन किया है वो सारी चीज़ें करिए एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन हीर यू क्लिक गो बैक प्राइमरी उसमें आते हो और दूसरे क्लासेस भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे अलग अलग डी के सेशंस हैं और भी डे बाय डे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और वो एडअप कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है लर्निंग uh, डॉ के बेसिक्स इवन इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड एक डॉ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अप्रोच आपको लेना चाहिए शॉर्टकट से लेके अलग अलग चीज़ों पे क्या ध्यान देना चाहिए यू कैन अप्लाई द सेम थिंग टू डिफरेंट डॉज बट ग्रेजुअली हम लोग ये चीज़ भी ऐसा बिल्ड कर दे रहे हैं कि और भी डॉज के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें होंसाइनमेंट्स की अगर बात करें तो एक असाइनमेंट्स का पेज है जहाँ पर आप आते हो तो मिनो you know, एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाता है कि किस तरीके से आप अप्रोच करोगे चीज़ों को तो इवन बिफोर आप और मैं सामने बैठे हैं अगले बैच में आपका मैक्सिमम मुद्दा शॉर्ट हो चुका होता है तो जब हम बात करते हैं तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ शुड आई गाइड यू कि आप पहले पहले ये चीज़ देख लो फिर ये चीज़ कवर कर लो और आप इस तरीके का चीज़ कवर कर लो अब बहुत सारा क्रूशल बात है जैसे इवन लाइक like, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में कर रहे हो तो आपको स्किल्स कीज और ये सारी चीज़ें कैसे क्या प्रैक्टिस करना है ऑल दोज नो टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द म्यूज़िक बिजनेस एंड ऑल हाउ डज दिस थिंग वर्क और क्या आप आप अगर करियर बना रहे हो क्या भी चीज़ कर रहे हो तो कैसे करके आप अलग अलग टाइप की चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो सी द थिंग इज हम लोग आमने सामने बैठे तो मज़ेदार बात इसमें यह है कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका आपको जवाब मिल सकता है और एक हमारे पास में बढ़िया सा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे एवरी वन इज़ देयर वी आर कनेक्टेड एंड ऑल अब अगर आप इस पेज में जो एकेडमी वाला पेज है ये वाला इसमें अगर आप नीचे भी आओगे तो यू कैन सी दैट मैंने एक ये जून अकेदमी मीट्स वाला भी एक वीडियो डाला है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम लोग जो ऑलरेडी भी हो गया है उनके साथ में भी बात करते हैं जो नए आ रहे हैं उनको भी साथ में मिलाते हैं वी टॉक अलॉट ऑल्सो अगर आप ये वीडियो देख लो इट्स अ लॉन्ग वीडियो बट आपको इट्स नॉट लाइक कि मैंने लोगों को बोला है कि यार आप जाके तारीफ़ करो और आप बताओ मेरे बारे में दे हैव लाइक स्पॉन्टीन्यूअसली टॉक्ड अबाउट वॉट हैव बिन देअर एक्सपीरियंसिस तो अपने बारे में भी बात बताया है बाकी सारी चीज़ें एंड वट हैज़ बिन देयर क्लासरूम एक्सपीरियंस ये भी ये लोग एक्सप्लेन करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इवन इफ यू शुड ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक दिस और नॉट एंड सी बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है हर कोई बंदा यही कहेगा कि यार मेरा कोर्स अच्छा है मेरा कोर्स अच्छा है पर इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू टेक कोर्स अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रॉब्लम है तो मे बी यू आर जस्ट लुकिंग फॉर टेकिंग मिक्सिंग मास्टरिंग क्लासेस वो सारी चीज़ें तो हम लोग इसमें कवर करते ही करते हैं बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन में या अरेंजमेंट में या और भी छोटा छोटा टेक्निक्स में आपका प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं पता कि एक्चुअली प्रॉब्लम है तो खूज कनंगो है ना आपको तो पता ही नहीं है सो यू बी लाइक सर्चिंग फॉर दैट जो चीज़ आपको पता नहीं है सो इफ आई नो यू आई अंडरस्टैंड यू तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि अच्छा यार तुम्हारा ये चीज में ये प्रॉब्लम है वो चीज में ये प्रॉब्लम है यू जस्ट फर्स्ट आप ये चीज में फोकस करो नेक्स्ट आप ये चीज में फोकस करो एंड इस तरीके से ग्रेजुअली यू विल ग्रो एंड यू विल ग्रो रियली फास्ट अब और एक बात आता है कि वॉट इज द फीस ऑफ दिस कोर्स है ना तो वैसे दिस कोर्स इज रेटेड एट लाइक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज कम से कम बिकॉज इट्स लाइक अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग कि आपके पास में इतना सारा चीजों का एक्सेस रहता है और सब कुछ रहता है बट अभी भी अर्ली बर्ड ऑफर आई एम रनिंग दैट इज यू हैव टू पे ऑनली टेन थाउजेंड रुपीज फॉर दिस एक अच्छी बात यह है कि बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव पुट इन सो मच ट्रस्ट इन टू मी ये बैचेस बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सो दैट समवन वन हुज़ लाइक जो थोड़ा असमंजस में है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा नो you know, काफ़ी सारी जगह पे क्या होता है कोर्स में खाली बता देंगे कि मैं आपको ये 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 चीज़ सिखाऊंगा एंड यूर लाइक कि कोर्स करिकुलम क्या है हमारा सो so, कोर्स करिकुलम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये रहता है कि एट द एंड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स ये जो आप चीज़ कर रहे हो आपको म्यूजिक बनाना आया क्या आपको मिक्स करना आया क्या आपने अपना गाना यूट्यूब पर डाला क्या सो दैट इज आवर फोकस है ना यू टू मेक यू एनेबल्ड टू मेक योर ओन म्यूजिक द वे यू लाइक इट और ग्रेजुअली आई हैव सीन सो मेनी पीपल डेवलपिंग देयर करियर्स ऑन दिस थिंग दिस थिंग गिव्स मी सच अ जॉय तो अभी करेंटली इट इज डिस्काउंटेड एट टेन थाउजेंड रुपीज आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे रश बढ़ता रहेगा तो ये चीज़ ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ जाएगा एंड या दैट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस राइट तो अगर आपने आज मेरे को ई मेल किया और ये करेंट बैच भर चुका है आने वाला जो बैच है तो वट यू कैन डू इज यू कैन ऑफ्ट फॉर उसके बाद वाला बैच उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा बिकॉज आपके पास में ऑलरेडी पोर्टल का लिंक रहेगा एंड वी ऑल स्टे कनेक्टेड एज वेल आई गाइड यू थ्रू कि ये 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 चीज़ें पहले देख लो पहले ये काम कर लो तो वट एवं कि आप जब नेक्स्ट बैच में आप मेरे पास में आते हो टू बिकॉज यू हैड दैट टाइम है ना और वो आपने उसका सदुपयोग किया और आपने वो सारा चीज़ पहले ही से ही फॉलोअप कर लिया तो अब जब हम लोग आमने सामने बैठे होते हैं हमारा कोर्स काफ़ी और अच्छा एडवांस हो जाता है और आपका जो भी छोटा छोटा डाउट्स है एवरीथिंग गेट्स गैट्स क्लियर एंड ऑल एक जो मेजर फोकस है मेरा वाइल डूइंग दिस थिंग इज टू पुश यू इन अ वर्क फ्लो है ना कि थोड़ा आपका काम में थोड़ा तेजी आ जाए सो हैविंग अ ग्रुप हैविंग अ कम्युनिटी सेम थाट प्रोसेस वाला जैसे कम्यूनिटी में आप शेयर करते हो अपना गाना या कोई चीज़ करते हो इफ़ यू आस्क फॉर सम क्रिटिकल रिव्यू या अगर गाने के अलावा अभी कोई भी चीज़ आपका कोई प्रॉब्लम है मेरे को ये चीज़ लेना है कुछ भी करना है तो मैं जवाब दूँगा या कोई ना कोई जवाब देगा एंड ऑल आप भी दूसरे लोगों के उसमें कनेक्ट uh, हो सकते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करोगे दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड इस तरीके से ये चीज ग्रेजुअली बहुत मजेदार तरीके से ग्रो हो जाता है दैट इज आवर आइडिया एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बैच एंड आई होप यू सक्सीड इन योर म्यूजिक करियर Glad to see you. Thanks for being a part of this wonderful journey to be a better musician every day. और इस आशा के साथ कि हम लोग अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे मैं लेता हूं आपसे इजाजत बहुत 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 धन्यवाद और हमें भ्रष्टाचार से आंद